सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस को जी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप टी बैग बनाने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसको बनाने में दोस्तों आपको कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको पूरा जो बजट आपका दोस्तों कितने का पड़ता है दोस्तों, आपको वो कितना कितना आपको मशीनरी रिक्वायर्ड रहती है, रॉ मटेरियल कौन सा रिक्वायर रहता है, प्रोसेस क्या होता है, इन सारी बातों के हम पूरे एंड तक बात करते हैं वीडियो के। तो वीडियो को बिना स्किप करिए पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि वैरायटी क्या होती है टी बैग्स की। दोस्तों, इसकी कुछ वैरायटी होती हैं जिसमें कि पहले आती है वाइट टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्लैक टी, हर्बल टी। दोस्तों, ये कुछ 5 टाइप की 6 टाइप की टी की वैरायटी आती हैं जो कि आप बना सकते हैं। अब आपको चॉइस करने पड़ेगा कौन सी एक वैरायटी बनाना चाहते हैं, या तो दोस्तों आप मल्टीपल टाइप की वैरायटी की टी बैग्स भी बना सकते हैं। अब ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर दोस्तों आती है बात कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। दोस्तों, इसका जो इन्वेस्टमेंट जाता है सबसे पहले तो जाता है टी बैग्स मेकिंग मशीन में, जिसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 1.75 लाख के लगभग। दोस्तों, फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट जाता है कुछ अदर मशीन्स में जो कि टाइप पैकिंग मशीन होती हैं, और भी है कि पैकिंग टाइप मशीन और लेवलिंग मशीन होती हैं, इन सब में जाता है लगभग आपका 1 लाख रुपये। फिर दोस्तों आपके रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट आता है वो रहता है लगभग 25,000 रुपये, और साथ ही में जो पैकिंग कॉस्ट जाता है पैकिंग मटेरियल का, इन सब का वो आता है लगभग 15,000 रुपये। दोस्तों, ये कुछ आपका जो कॉस्टिंग जाता है, जिससे कि दोस्तों थोड़ा और अदर एक्सपेंस मिला लें, लाइक आपको वर्कर हायर करेंगे, थोड़ा कॉस्टिंग जुड़ेगी उसकी, वो सब लगेगा आपको 25,000। तो दोस्तों, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट बताएं, अगर आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए हैं तो दोस्तों आप आराम से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, जो मैं एक एस्टिमेटेड बताता हूँ, मैं आपको कंफर्म नहीं बताता हूँ कि आपको इतना ही लगेगा, वो वेरी करता है अपने स्टेट के हिसाब से, आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से। फिर अब दोस्तों बात करें स्पेस कितना रिक्वायर्ड रहता है अगर आप टी बैग मेकिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 500 से 1,000 स्क्वायर फीट तक का अगर आपके पास स्पेस है तो दोस्तों आप आराम से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात आती है रॉ मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड रहता है इसमें। दोस्तों आता है जैसे कि होता है फिल्टर पेपर, ये दोस्तों दो टाइप के आते हैं, मतलब फिल्टर पेपर के अंदर आपको दो चीज़ें चाहिए पड़ती है। पहले तो आता है फाइबर फिल्टर पेपर जो कि दोस्तों अंदर उपयोग होता है, फिर दोस्तों दूसरा रहता है पेपर फिल्टर बैग। दोस्तों, ये दो टाइप की चीज़ें आपको जरूर पड़ती हैं। फिर आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर टी लीव्स, जो पत्ती होती है चाय की पत्ती, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बिना काम ही नहीं हो सकता है। और दोस्तों फिर अगली चीज़ रहती है आपकी पैकिंग मटेरियल। दोस्तों, ये कुछ आपके लिए कुछ आपको रॉ मटेरियल इस्तेमाल रहता है। फिर दोस्तों बात आती है मशीनरी कौन कौन सी रिक्वायर रहती है इसमें। मशीनरी में आता है जैसे कि होती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, साथ ही में सेमी ऑटोमेटिक मशीन। ये दोस्तों आप मार्केट में जाएंगे या दोस्तों आप ऑनलाइन साइट से खरीदेंगे इंडिया मार्ट जैसी साइट से, तो भी दोस्तों आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप डालिएगा टी बैग मेकिंग मशीन, तो दोस्तों वहाँ पर आ जाएंगे दो टाइप की, जौन सा आपके बजट में पड़े, जौन से आपके साइज़ के हिसाब से सही पड़े वैसा आप ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर रहते हैं इसमें। दोस्तों आते हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे कि होता है बिजनेस के दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब बिजनेस की एंटिटी आपको करवाना होना चाहिए। फिर आता है FSSAI का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये एक फूड प्रोडक्ट है। फिर एक ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, GST नंबर, BSSCI का रजिस्ट्रेशन, साथ ही में दोस्तों जी कुछ आपको डॉक्यूमेंट जरूर पड़ती हैं। तो अगर दोस्तों आपका जिस सारे डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात आती है मेन कि आपको प्रोसेस क्या रहता है इसका। जो दोस्तों प्रोसेस रहता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, लॉन्ग में बताने बैठूँ तो ये 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊँ तो सबसे पहले होता है वेदरिंग प्रोसेस, जिसमें कि दोस्तों चाय के पौधे की पत्तियों को 18 से 20 घंटे के लिए खुले क्षेत्र में सुखाया जाता है। दोस्तों ये हो गया पहला प्रोसेस। फिर होता है क्रशिंग का प्रोसेस, जिसमें दोस्तों पत्तियों को हवा में सुखाने के बाद इसे पीस लिया जाता है, जिसे कहते हैं अपन क्रशिंग प्रोसेस। फिर होता है ड्राइंग प्रोसेस, जिसमें कि पत्तियों को खुलचने के बाद उन्हें सुखाया जाता है, और फिर जब दोस्तों हो जाती हैं और क्रश भी कर लेते हैं उसके बाद भी उन्हें फिर सुखाया जाता है, और फिर दोस्तों उनके साथ कुछ वो बिल्कुल जब सूख जाती हैं उसके बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें पौधे की पत्तियों को सुखाने के बाद उन्हें मील में भेजा जाता है, और मील में जो मशीन होती हैं वो उसे पूरा ग्राइंड कर देती हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग होती है, जिसके द्वारा दोस्तों प्रत्येक कंपनी चाय की पत्तियों को एक अलग स्वाद देने के लिए इलायची, अदरक और लौंग जैसी कई सामग्री उसके अंदर मिलाती है, फिर उसे ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, और फिर दोस्तों उसे मिलानी होगी और उन चीज़ों को चाय की पत्ती के साथ अच्छी तरह मिलाना होगा। इस चीज़ों को मिलाने के बाद आपकी चाय पत्ती बनकर तैयार हो जाती है, जिससे कि आप चाय बैग में डालिए तो आपका टी बैग बन जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस होता है कुछ।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।